20 मई 2014 का वो शानदार पल किसको याद नहीं, जिस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उम्मीद पहले किसी ने भी नहीं की थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक सच्चा राष्ट्रभक्त ही कर सकता था, कुछ ऐसा जो शायद सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही कर सकते थे। 20 मई 2014 को संसदीय इतिहास में पहली बार पीएम बने नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचने पर इस लोकतंत्र के मंदिर को सिर झुकाकर प्रणाम किया था, लोकतंत्र के मंदिर का आशीर्वाद लिया था। ये पहला मौका था जब पीएम नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पर संसद भवन पहुंचे थे। मुख्य द्वार पर उनके स्वागत के लिए बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। ये क्षण अद्भुत था जिसे देख न जाने कितने लोग इमोशनल हो गए थे। संसद के गेट पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी झुके थे और सिर झुकाकर संसद को नमन किया था। उनसे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था। लेकिन 9 साल बाद डीके शिव कुमार ने जरूर पीएम मोदी की देखा देखी इस पल को दोहराने का प्रयास किया है। जी, मोदी के जिस भाव के सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी, आज 9 साल बाद 20 मई 2023 को डीके शिव कुमार ने पीएम मोदी की नकल करते हुए वही सब कुछ दोहराया है जो पीएम मोदी ने किया था। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शनिवार दोपहर को विधानसभा पहुंचे थे और इस दौरान डीके शिवकुमार प्रधानमंत्री मोदी की नकल करते दिखे। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा की सीढ़ियों पर झुकते हुए मत्था टेका और नमन किया। जिसने भी डीके शिवकुमार की इस तस्वीर को देखा उसे 20 मई 2014 याद आ गई, जब पहली बार किसी नेता ने इस तरह से संसद को नमन किया था। सोशल मीडिया पर डीके शिवकुमार के इस वीडियो की खासी चर्चा है। त्रिलोक नाम के यूजर ने लिखा, ये पहला कांग्रेसी है जिसने विधानसभा में जाते हुए माथा टेका है, या इनसे पहले बीजेपी के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संसद की दहलीज पर माथा टेका था। सुजीत झा ने लिखा, माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और बोला मेरी कमाई दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाए। सारे नेता ऐसे ही है, वो किसी और दूसरे पक्ष के हों। सुरेश मीना नाम के यूजर ने लिखा, मोदी जी की नकल करने लग गए कांग्रेस वाले भी, थैंक्स टू मोदी जी। पंडित विकास तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, दिल से मोदी भक्त है। कुणाल महाजन नाम के यूजर ने लिखा, अनुयायी सभी मोदी के हैं, चाहे कितनी ईर्ष्या करें, शैली उन्हीं के अनुसरण करते हैं। खातिब का शो नाम के यूजर ने लिखा, इस प्रकार का दृश्य दुनिया ने 2014 में भी पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर मत्था टेकते देखा था। रोहित मल्होत्रा नाम के यूजर ने लिखा, कॉपी कैट। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर डीके शिवकुमार के विधानसभा के बाहर मत्था टेकने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है। वैसे आपको 9 साल पीछे ले चले तो इस पल ने हर किसी को खुशी से भर दिया था जब पीएम मोदी ने माथा टेका था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वहां बीजेपी के कई दिग्गजों ने उनका स्वागत किया था। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले सिर झुकाकर नमन किया था, माथा टेका था। पीएम मोदी के इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर सालों साल चर्चा रही थी। ये फोटो खूब वायरल हुई थी और अब लग रहा है पीएम मोदी की तरह डीके शिवकुमार भी वायरल होने का ख्वाब देख रहे हैं। तभी तो पीएम मोदी की नकल कर रहे हैं। वैसे डीके शिवकुमार के विधानसभा को नमन करने को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस के लोग भी पीएम मोदी से सीख ले रहे हैं, या फिर मन ही मन ये लोग भी पीएम मोदी के अनुयायी बनते जा रहे हैं? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ¿Cuánto le quieres? ¿Cuánto le quieres? ¿Cuánto le quieres?